Hi guys, welcome back to my channel Creative Corner by Dipali. I'm Dipali Kachru. I'm born in Punjabi family, but I'm married to a Kashmiri family, so now I am a Kashmiri. Today I'm discussing a new craft, basically that is from Kashmir. It is originated in Kashmir, paper mache. We all know paper mache and I'm very fond of it. Paper mache जो आर्ट है ये बेसिकली रफ पेपर से बनता है. न्यूज़पेपर ले सकते हैं या नोटबुक के पेपर्स ले सकते हैं और एग कार्टन भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने ये जो क्राफ्ट बनाया है इसमें एग कार्टन यूज़ किया है. मैं रेसिपी आपको सारा दिखाऊंगी कि इसमें पेपर पल्प मैंने कैसे बनाया है और इसमें हम बनाने के लिए बाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं राइस स्टार्च. वैसे तो ट्रेडिशनली राइस स्टार्च ही यूज़ करा जाता था, पर अब कुछ लोग फेविकॉल भी यूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो इजीली अवेलेबल रहता है. मैं ये क्राफ्ट बना रही हूँ इसमें मैंने राइस स्टार्च यूज़ किया है और उसका रेसिपी भी दिखाया है सारा. ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए मैंने लास्ट में कुछ कलरिंग पार्ट एडिट किया है और मैंने पेपर मैशी के कुछ छोटे छोटे हैंगिंग्स भी बनाए हैं, पर इस वीडियो में मैं ये नहीं डाल रही हूँ. वो मैं नेक्स्ट फॉलोइंग वीडियो में शो करूँगी आप लोगों के सामने. और चलिए लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम लोग एक बकेट लेंगे और उस बकेट में एग कार्टन के पीसेस छोटे छोटे करके डाल देंगे. अगर हम न्यूज़पेपर ले रहे हैं तो वो भी हमें छोटा छोटा ही काट कर डालना है. उसके बाद हम पानी लेकर इसको सोक कर देंगे और 24 आवर्स के लिए सोक कर देंगे. और अगर न्यूज़पेपर है तो उसको हम 2 दिन या 3 दिन भी सोक करना पड़ता है, पर एग कार्टन सॉफ्ट होता है इसलिए 24 आवर्स इसके लिए काफ़ी हैं. इसके बाद हम इसको किसी कॉटन के कपड़े में सीव कर लेंगे. ये इस तरह से दिखता है. इसको हम थोड़ा सा ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे. अभी हम राइस स्टार्च की रेसिपी देखते हैं. कोई भी राइस हमें थोड़ी देर के लिए सोक करना है, करीबन 1 घंटे के लिए. हम कोई भी तरह का राइस ले सकते हैं. उसके बाद इसे हमें गैस पे रखना है और जब तक सॉफ्ट हो जाए तब तक इसको बॉईल करते रहना है. अभी काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, फिर इसको ठंडा करके हम ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे ताकि बिल्कुल पल्पी हो जाए. ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ड्रॉपिंग है और ये रेडी है. अब हम पेपर को भी ग्राइंड कर लेते हैं. हमारा सारा पेपर ग्राइंड हो गया है और इसके बाद हम अब इसका डो बनाना स्टार्ट करते हैं. डो बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा मैदा डालेंगे, जिसे ऑल पर्पज़ फ्लावर भी कहते हैं. थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे एज अ प्रिजर्वेटिव टू प्रिजर्व फ्रॉम जर्म्स और बैक्टीरिया. और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल. इट कैन बी एनी ऑयल लाइक कुकिंग ऑयल. Then we have to mix it. और फिर थोड़ा सा राइस स्टार्च डालेंगे फॉर बाइंडिंग. अगर हमें लगता है कि ये थोड़ा सा अभी भी गीला है तो हम इसमें मैदा और ऐड कर सकते हैं, पर अभी ठीक है, बाइंड हो रहा है. अब इसको हम किसी दूसरे कंटेनर में निकाल लेंगे. अब मैंने जो ये ग्लास बाउल लिया है, मुझे इसी बाउल के डिज़ाइन का फ्रूट बोल बनाना है. तो स्टार्ट करते हैं. इसको पहले ग्रीस कर लेंगे, हर तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेंगे ताकि वो सूखने पर आराम से निकल जाए.
फिर इसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे पेपर क्ले का और इसको लगाते जाएंगे बाउल के ऊपर। पूरे बाउल को अच्छे से कवर करना है हमें और उसको प्रेस करते जाना है, स्मूथ करना है उसको ताकि वो सारा एक ही साइज़ का बन जाए। कोशिश करनी है कि इसकी जो लेयर है पूरा एक ही साइज़ का रहे, कहीं से थिक कहीं से थिन ऐसे नहीं हो। हाथ से टाइट टाइट प्रेस करते जाएंगे, इसके एजेस को भी स्मूथ करते जाएंगे। अब दो दिन हो गए हैं और दो दिन में ये पानी बिल्कुल सूख गया है इसका और ये बोल बिल्कुल रेडी है। इसका मुझे बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़े इसको निकालने के लिए, वो अपने आप ही बाहर आ गया है। बहुत लाइट वेट बना है और बिल्कुल हार्ड है। अब इसमें एक कोट फेविकॉल का करेंगे जिसमें 50% वाटर और 50% फेविकॉल होता है। ये हर तरफ आगे से भी और पूरे बैक साइड में भी लगा देंगे। मैंने साथ साथ एक लीफ भी बनाया है पर इसका वीडियो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। फेविकॉल सूखने के बाद में इस पर एक कोट टिश्यू पेपर का लगाएंगे, एक लेयर। टिश्यू पेपर को काटना है छोटा छोटा और फेविकॉल की हेल्प से इस पर पेस्ट करते जाएंगे। इससे इसमें कोई भी जो बीच में स्क्रैचेस हो जाते हैं या कोई भी दरार हो जाती है बीच में वो कवर हो जाएगा, सारा स्मूथ हो जाता है। अगर सरफेस अनइवन है तो वो भी ये कवर कर देता है। आप चाहें तो इसमें दो लेयर भी लगा सकते हैं टिश्यू पेपर की, बट एक लेयर भी इनफ है। फ्रंट बैक पूरे में टिश्यू पेपर लगाना है। अब ये सूख गया है अच्छी तरह से और अब इसको हम कलर करेंगे। कलर हम एक्रिलिक कलर यूज़ कर रहे हैं, आपकी चॉइस है, कोई भी कलर कर सकते हैं। लाइट कलर है तो हम दो कोट करेंगे और अगर डार्क कलर है तो एक कलर एक कोट से भी हो जाता है। मैंने बोल के अंदर येलो कलर किया है और बाहर मैं ब्लैक कलर कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इस पर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। पेपर मैशी में जो कलरिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट होती है। कलर्स जो यूज़ करते हैं, एक तो ब्राइट कलर्स यूज़ करने होते हैं और साथ में बहुत बारीक बारीक करना होता है, इसलिए हम ज़्यादा थिक ब्रश नहीं लेते हैं इसमें। ज़ीरो नंबर के ब्रश से ही मोस्टली कलरिंग होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है इसकी। Thank you.
मैंने इसमें रेड कलर, येलो कलर, ग्रीन और गोल्ड यूज़ किया है। हम इसमें मोटिव्स पेंसिल से ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो मोस्टली इसमें फ्री हैंड ड्राइंग ही होती है। हम इसमें अब बैक साइड कंप्लीट हो गई है, अब इसके अंदर कलरिंग करेंगे। कोई भी मोटिव बनाने के बाद उसको गोल्ड कलर से हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से उससे ब्राइटनेस आती है, शाइनिंग आती है। आप अगर पेपर मैशी देखते हैं मार्केट में भी, या कश्मीर का कोई पेपर मैशी भी देखते हैं, तो उसमें बेसिकली गोल्ड का बहुत काम होता है। अब ये बोल कंप्लीट हो गया है। मैंने कलरिंग का कुछ पार्ट एडिट किया है इसमें, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था। अब इसका कलरिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हम इसको एक कोट वार्निश का करेंगे, जिससे इसके कलर फास्ट हो जाएंगे और इसमें ब्राइटनेस भी आ जाएगी, शाइनिंग आ जाएगी। आगे से पीछे से दोनों तरफ से हम एक कोट वार्निश का कर देंगे। अब इसमें वार्निश हो गई है और ये सूख चुका है अच्छी तरह, इसमें शाइनिंग आ गई है, कलर भी फास्ट हो गए हैं। आप चाहें तो इसको डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हैं या फ्रूट बोल की तरह यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक द मेकिंग ऑफ दिस बोल।
आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पेपर मैशी के ही छोटे छोटे हैंगिंग्स. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.